नमस्कार, प्रणाम सभी श्रोता समाज को। आइए आज फिर एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो सबके जबान पे एक ही नाम का चर्चा है, बागेश्वर धाम का। और हजारों मीडिया बंधु हमारे गए हैं और जाके इंटरव्यू भी लिए हैं सिर्फ एक चीज़ की जानकारी के लिए कि क्या सत्य में चमत्कार है कि जादूगरी है कि प्राकृतिक कोई करमात। इसी मामला को लेकर आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं और वीडियो में हजारों लाखों दर्शक बंधु दरबार में बैठे हैं और क्या सत्य है क्या गलत है। बागेश्वर धाम सरकार इंसानों का जिनका अर्जी लग रहा है उनके आने से पहले उनका नाम नोट हो जा रहा है, उनकी परिस्थितियां लिख दी जा रही है। क्या सही है क्या गलत है आइए इस वीडियो में साफ साफ आपको दिखा रहे हैं। और कुछ मीडिया बंधु चैनल के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जाने के बाद बाबा ने इंटरव्यू नहीं दिया, बाबा ने बोले कि हमारे पास समय नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, जब प्रकृति की अगर कृपा है, अगर बाबा ही हैं आपके ऊपर, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका समय निर्धारित है कि आप 8 बजे सुबह से लेकर शाम को 8 ही बजे तक जवाब दे सकते हैं। ऐसा तो है नहीं, आप जो भी जा रहे हैं सबका जवाब दीजिए आप। विवेक चौबे करके तो उनको मैं उनसे बोली तो तुमने पैसा लाएगा भैया हमसे? नहीं नहीं, इधर आओ तुम और आ जाओ अपनी सच्चाई। हाँ, अब देखो जो सबके मन में मलाल हुई है, ये तो बहाना है, सबके मन में मलाल हुई है कि गुरुजी जिन्हें बुलाए हैं। उसके बाद मेरे मन में ये आया, मेरे भाई फोन किए, बोले कि तू भी तो पूजा पाठ बहुत दिल से करती है, हम लोग तेरे को मानते हैं कि तू जो बोलती वो होता है घर में। तो मैं बोली अब मैं दुविधा में हूँ, मैं बोली बालाजी को तो मैं भी मान रही, लेकिन कल जो हुआ मेरे साथ वो तो मतलब ऐसा घटना। इनका कहना है कि रुपया लिए हैं का? नहीं नहीं, गुरु जी देखिए, एक कल से लोग जो है, जब से आप मेरी अर्जी निकाले हमको बहुत गरिया भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू लिया था 2 दिन पहले और सब फेसबुक से जानकारी निकाल लिए होंगे इसलिए स्वामी जी ने ऐसा बताया है। और हमको कह रहे हैं कि तुमने काउंटर सवाल क्यों नहीं किया कि किसी का नाम आप बताइए। भाई किसी का भी बताइए, किसी के भी चाचा का नाम बता दीजिए, ये हमारे ऊपर आरोप भी लग रहा है। बहुत अच्छा, आज हम 4 पर्चा खोल देंगे उनके लिए। तो आपने रुपया लिए क्या ये और बता दीजिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल कोई रुपया नहीं लिया है। आप हमको बताए हैं पहले? ना, कोई परिचय नहीं, कोई जीवनी नहीं बताया। ये जिनके हम नाम बुला रहे हैं इनकी जानकारी कोई दे रहा है क्या? ना, किसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। अब देखो ये आप पर आरोप लगा। कल जब हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग दिल्ली से आए हैं आप जान रहे हैं, हालांकि मेरे विषय में आप व्यक्तिगत जानकारी नहीं जानते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ और TV9 भारतवर्ष का पत्रकार हूँ। कल जब मैं इस पंडाल में घूम रहा था तो मैंने ये महसूस किया बहुत लोगों की आकांक्षाएं हैं आपसे मिलने के लिए, वो दिव्य दरबार में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कैसे आया कि रुपया लिए हैं? हाँ, इन्होंने मुझसे कहा, मैं उसी पर आ रहा था, इन्होंने मुझसे कहा, चलो कोई अब इन्हें माइक दो हम इनको बताते हैं। इन्होंने मुझसे कहा, ये थोड़ी व्यथित थी, अब हमने ठीक जवाब दे दिया, अब बैठो। इन्होंने मुझसे कहा महाराज जी बंद कर दीजिए कि गुरु जी से मिलते हैं, ये बातें बंद कर दी, अब माइक इनको दे दीजिए। कहाँ से हो? क्योंकि आज नहीं तो इसी में देर लग जाएगी, दरबार नहीं होगा। हम इलाहाबाद से दरबार करना, बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना, मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से, मेरे को विश्वास पूरा अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बालाजी पर है। बैठ जाओ। और हमारे ओम प्रकाश मिश्रा जी मामा है रिश्ते में, हमारी मतलब जेठानी है, तो उनकी मैं देवरानी हूँ, जेठानी कांकेर में रहती, मैं नहीं आई। देखो कोई भी मन में वो भ्रम होना बहुत जरूरी है, भ्रम से ही श्रद्धा प्रकट होती है। लेकिन मैं सच्चाई ये बता रही हूँ कि मन में ऐसा आया कि मैं लगातार जब आ रही हूँ दौड़ दौड़ के, तो आज मैं सोने में क्या हुआ कि मैं उठ नहीं पाई, आज मैं बोली अब मेरे गलत। प्रश्न पूछो, समय बर्बाद मत करो जी, सबका वो हो गया, वो हो गया, वो क्या बोलते हैं,
क्लियर हो गया। नहीं, क्लियर जिंदगी भर के लिए सब बालाजी के हो जाओ। बोलो बालाजी महाराज की जय। अब गुरुदेव की जय। सवाल पूछो जल्दी। सवाल बहुत ये है बाबा कि दो रोटी खाने के लिए है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे हस्बैंड का तबीयत यहाँ पेट में बहुत खुजलाता है। उनका नाम बताया तुमने यहाँ किसी को? नहीं नहीं, किसी को नहीं, किसी ने पूछा है? नहीं कोई नहीं। अच्छा ठीक है, क्या नाम है उनका? हनुमान प्रसाद पांडे। और वो नौकरी चाकरी से बहुत परेशान है, हमारा इज्जत थोड़ा बना है, लेकिन परेशानी बहुत। धन की हैरानी, घर में दिक्कत, पूरा घर उपद्रव मचा। क्या ये सही लिखा है? सच है, पूरे घर में उपद्रव मचा, उलझन है। स्थाई जॉब पति हनुमान प्रसाद की नहीं है, आपके घर पर पितृ दोष है। पितृ दोष में सूरज लाल नाम के पितर घूम रहे हैं, यह शांत हो जाएंगे। और आप पर आरोप लगता रहता है, उल्टा सीधा घर में विवाद बनता रहता है, और आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। और आपके पति हनुमान प्रसाद हैं और साथ में सूरजमल नाम के उनके परदादा हैं, और साथ ही साथ आपके घर पर 7 महीने के अंदर जॉब योग बनेगा, स्थिर वाला आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की जय। परिचय यही बोल रहा है? यही बोल रहा है बाबा। आप यही पूछने आए? अब तो नहीं है गलत? नहीं 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 बाबा, अब तो नहीं है हम पाखंड। आपके बारे में कभी गलत तो नहीं है? रुपया लेकर करते हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं, मन का विचार बाबा। आप चूंकि स्त्री हो, हम बहुत कंट्रोल में बोल रहे हैं, आपकी भी इज्जत है, नहीं तो हम दूसरे ट्रैक के महात्मा है। नहीं नहीं बाबा जी, माफ कीजिए, सच्चाई बोल दी ना, मैं गलत मतलब मन में आ गया था बाबा। इतनी सही होते हुए परिवार वाले गलत ठहरा देते हैं, ये बहुत तकलीफ है। आखिर ठहराते तो हैं, ठहराते लेकिन गलत में, सच्चाई रहते हुए सच्चाई का आप साफ आपको देना है। जिंदगी भर बालाजी की सरकार की जय, इसलिए सच्चाई बता देना बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय। अब एक बात माइक से बोलने योग नहीं है, नहीं तो जैसे हमने कल 2-3 लोगों को बताया, उनकी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बाबा यही कृपा करो, सच्चाई रहते हुए मेरे अंदर हर सच्चाई है, उसके बाद मुझे सब गलत ठहरा देते हैं, यह ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये वाला लगता है आपके ऊपर, ना तुम पढ़ो ना हम पढ़ते हैं, रियल है? अब समझ जाओ हम कितने गहरे आदमी हैं। लेकिन वही है बाबा झूठी, लेकिन हम कितने गहरे आदमी हैं ये तो पढ़ो पहले, यही लिखा है, हिंदी पढ़िए आप जी। हाँ, ये बोल देंगे तो घर उजड़ जाएगा। लेकिन ये झूठा है ना बाबा, है बात लेकिन है तो यही है तो यही। हाँ बहन जी, इसलिए घर हम उजाड़ने नहीं बैठे, बनाने बैठे हैं। और ये धमकी नहीं है, और ये जितने भी मीडिया वाले बोल रहे थे उनके लिए, कांगे तिवारी जी जो बोल रहे थे, ये धमकी नहीं है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बागेश्वर बालाजी के दरबार का। बाबा जी कृपा करो, भूल तुमने तो नहीं किसी को बताया? किसी को नहीं बाबा, तुमने तो नहीं कहीं इस सर्व लाइन्स में लाइन का कह रहे थे, काय पे डाल दिया है, इंटरव्यू में डाल दिया है? हाँ, फेसबुक में तुमने तो नहीं डाला, ये तुमने तो नहीं ये डाला है? नहीं, सच्चाई है, पूजा सच है, हर बात पूजा करती हूँ बालाजी को, शंकर जी को भी, लेकिन मतलब मन का एक भ्रम का मतलब सब बोलते जैसे सुन सुन के, बाकी मैं रोज बोलो बालाजी महाराज की जय। लेकिन बहन तुम कम बोला करो, इसीलिए तुमको सब लोग, ये जो ऊपर वाला हमने बताया ना, इसीलिए तुम कम बोला करो, बहुत ज्यादा फुदकते रहते ना, इसलिए लोग तुम पर ऐसा उल्टा ऊपर वाला लगाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, तुमने बेचारे पत्रकार को भी नहीं छोड़ा, उसने कल सच्चाई दिखाने की वो की थी ताकत, और तुमने उसको भी नहीं छोड़ा, जो है ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं। अब ये उनको नहीं बोल रही है तो पत्रकार तो एक ही, यही कहा था ना कि वो अपने अपने, कृपा करना बालाजी बुलाइए महाराज जी हमको, अब आ जाइए जुड़ जाना। अब जो पर्चा ना दिखाइयो का, कृपा बनाए रखना हमेशा, हनुमान पांडे को नौकरी चाकरी सब ठीक। हम नहीं था घर भी ताप लई जाओ, खुशी रहा, हम घर भी ताप लेते हैं। हम तिवारी जी ऐसे वैसे गुरु नहीं है, हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताए के कह जगह चल रहा हूं। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा, हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताए कि कितनी मैडमन से कॉन्टेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है।